वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपको चॉकलेट केक बनाने के रेसिपी बताएंगे। यहाँ हमने देखिए चॉकलेट केक पहले से बना, यहाँ हमारा देखिए बिल्कुल स्पंजी केक बन के तैयार। अब हम इसे किस तरीके से बनाते हैं, चलिए हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। हम सबसे पहले एक कप मैदा लेंगे, इसे छान लेंगे, इसे हमने पहले से छान के रखे हैं, इसे छान लेंगे। एक बड़े बर्तन में ले लेना है। आधा कप चीनी लेंगे, पिसी हुई चीनी लेंगे। एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। एक चौथाई चम्मच मीठी सोडा, कोको पाउडर लेंगे। भी खील के हमने कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। यह भी हमें दो टेबल स्पून लेना है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे। फोर टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इसकी जगह पे आप बटर या घी ले सकते हैं। वेनिला एसेंस आधे छोटे चम्मच लेना है, इसे भी हम इसे डाल देंगे। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा फुल क्रीम, हमने यहाँ दूध लिए हैं आधा कप लगभग है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डालेंगे और इसे मिक्स करना है। धीरे धीरे हम दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। बैटर की देखिए थिकनेस बिल्कुल हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। और हमारा बैटर बिल्कुल देखिए तैयार हो गया है। केक बनाने के लिए हम स्टील या एल्यूमिनियम के कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से हमें बर्तन में मिला लेना है, चारों तरफ हमें मिला लेना है। थोड़ा सा हम सूखा मैदा लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसे हम चारों तरफ मिला लेंगे और एक्स्ट्रा जो मैदे हैं उसे निकाल देना है। बैटर में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे इसमें। और इसे भी मिक्स कर देंगे। बैटर को हम इसमें डालते जाएंगे। और हमने सारे बैटर को कंटेनर में डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ा सा हमें पकड़ के इस तरीके से टैप करना है और बची हुई ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे। यहाँ केक बनाने के लिए एक कुकर लेंगे। यहाँ हमने 5 लीटर का कुकर लिया है, उसमें लगभग 2 इंच यहाँ हम बालू यानी सैंड को डाले हैं। इसके जगह पर आप नमक भी लगभग 2 इंच नमक हमें नीचे डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम देखिए कुकर में बैटर को डाल दिए हैं कंटेनर को। इसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे, इसका हम रबर और सीटी निकाल दिए हैं, इससे हम इसे लगा देना है और फ्लेम को हमें स्लो कर देना है।
कम फ्लेम हमें एकदम कर देना है और लगभग हमें इसे 45 मिनट पकाना है इसी तरीके से। अब हम ढक्कन को खोल के इसे चेक कर लेते हैं। लगभग 45 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसे हम एक टूथपिक की सहायता से इसे हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा, देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा केक देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसे हमने कुकर से बाहर निकाल लिए हैं और देखिए किस तरीके से यह हमारा फूला हुआ है। इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देते हैं। अब हमारा केक देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट लेंगे और उसमें हम इस तरीके से देखिए, यहाँ देखिए हमारा केक बिल्कुल ही यह इस तरह से हमारा केक बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप भी बनाएं और मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।